इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना गांव जिसका नाम है तालाब। सुबह हो चुकी है, पंछी चहचहा रहे हैं, आवारा पशु खेतों में उत्पात मचा रहे हैं, कुछ लोग चूल्हे पे नहाने का पानी गर्म कर रहे हैं और कुछ पानी भर रहे हैं। कोई बीड़ी पी रहा है, किसी के घर में चूल्हे पे खाना बन रहा है और कहीं बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कोई भैंस से दूध निकाल रहा है, कोई घर के आंगन की सफाई में लगा है और कोई खेतों में काम कर रहा है। कुछ इस तरह से होती है गांव में दिन की शुरुआत। ये है हमारे गांव के अशोक शर्मा जी और इनके दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह। ये अभी नहाकर बाहर निकले हैं और अब करने जा रहे हैं पूजा पाठ। आपको गांव और शहर की लाइफ में क्या डिफरेंस लगता है? देखिए शर्मा जी, जो गांव की लाइफ है, तो मैं तो मेरा ये मानना है, मैं बाहर रहा हूँ काफ़ी साल से। 96 में मैं चंडीगढ़ चला गया था, चंडीगढ़ में 3-4 साल जॉब किया मैंने। उसके बाद फिर मैं शिमला में रहा 99-2000 के बाद, बीच में घर में भी रहा। तो मेरा टैक्सी का काम है, बाहर भी जाता रहता हूँ, बट मैंने देखा कि जो आनंद गाँव में है वो कहीं भी नहीं है। ऐसा क्या है गांव में जो आपको बाहर नहीं मिलता? देखिए गांव के जीवन में सर, यहाँ पे हर एक पेड़ पौधा चहचहाट आपने पहले ही दिखाया हमारा। जैसे सबसे पहले घर में उठते हैं तो सबसे पहले हमारा ग्राम देवी का मंदिर, पक्षियों की चहचहाट, ग्रीनरी, ताज़ी हवा, अपना गांव समाज बहुत अच्छा लगता है सर। हर एक दुख दर्द बांटने वाले लोग, शहर में कोई किसी को पूछता तक नहीं, सबको अपने अपने भागों भाग वाली ज़िंदगी है सर। वैसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत प्यार प्रेम से अपनापन है गाँव में। तो अभी आपने बात की दुख दर्द की, तो क्या आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है जो आप साझा करना चाहें? दुख तो देखिए, लाइफ इज प्रीसियस स्टोन, जिसको मैं बोलूँगा एक कीमती पत्थर है, और कीमती चीज़ के लिए दुख दर्द तो सहना पड़ता है। तो सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट जो अपनापन अपने गाँव में मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है जी। अचीव अनिल जी, ऐसा है कि मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं 24 आवर्स में एक दिन में कम से कम दो लोगों को हंसा पाऊँ, तो मैं सोचता हूँ कि आज मैंने एक बेटर काम किया। और मेरा आपको पता भी है, मेरा शौक़ जो है वो गाना बजाना और गप्पे सुनाना जी, यही मेरा शौक़ है। और मैं इसी में अपना ये रहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में अगर एक्चुअली कहते हैं कि हंसी के चार पल देना भी ब्लड डोनेट की तरह एक पुण्य का काम है, तो मैं वही करता हूँ जी। क्या आपको कभी किसी चीज़ से डर लगता है? अनिल जी देखिए, हमारी लाइफ में डरना मना है। आर्मी और इंडियन ड्राइवर्स होते हैं, मैं पहाड़ी ड्राइवर हूँ, पहाड़ों पे मैंने बस टैक्सी ऑल टाइप ऑफ व्हीकल चलाया हुआ है। तो हमारी लाइफ में तो एक ही शेड्यूल है, डरना मना है। डरना किस चीज़ से है? किसी चीज़ से डर नहीं लगता। अनिल जी, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आपने यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट किया है, बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है आपकी लाइफ की, क्योंकि आपने जो है अपनी धरोहर से जुड़ने के लिए एक नया प्रयास किया है। तो आपने एक्चुअली जो एक आम लोगों की ज़िंदगी को आप जो साझा करते हैं पब्लिक के साथ, वो सबसे बड़ा काम है आपका। तो मैं आपसे तो यही कहूँगा कि आप लाइफ में भविष्य में ऐसी अचीवमेंट और करते रहें। धन्यवाद जी, थैंक यू सर। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हुक्म का इक्का में चला खोटा सिक्का में, हारे तो मुर्जीता में चीता में, हार कभी मानी नहीं, रैप है निशानी नहीं। मुंह पे बोले नहीं अपनी तू बात को, पीठ पीछे कोसता तू मेरी औकात को, जात को गाली देना, लाश को पानी देना, पहले खुद मारना फिर रो के सलामी देना, तेरे जैसे चार को धकेलता मैं बार को, सहा तुझे बहुत अब सुन।